हम जो परमेश्वर का मंदिर है इसकी चिंता नहीं होती है कि इसमें लोग क्या कर रहे हैं, इतनी गंदगी भरे जा रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताएं से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले संदेश में हमने पवित्र आत्मा के परिचय के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने का क्या उद्देश्य है पवित्र आत्मा को भेजने का, क्यों उसने पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा के विषय में जो है हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि पवित्र आत्मा का हमारे बीच में इस दुनिया के ऊपर उंडेला जाना क्या इसका महत्व है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, इसको जानेंगे। आप प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 4 पद और 8वां पद जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा है जो है, जो था और जो आने वाला है। जब आप 8वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहां पर जो है 3 युगों की बात कराई गई है, यानी 3 टेंस जो है आप उसको कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कौन कौन से हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये 3 जो है, 3 टेंस, 3 युगों को परमेश्वर ने, युग जो है, इन युगों को 3 भागों में बांटा हुआ है। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी इस समय जो हम रह रहे हैं, और आने वाला यानी भविष्य काल, आने वाला समय जो है, ये 3 कालों में बांटा। और परमेश्वर ने इन 3 कालों में अलग अलग रूप से जो है कार्य, अपने कार्य को सिद्ध किया है। अब उसके कार्य कैसे सिद्ध है, चलिए हम परमेश्वर से शुरू करेंगे, जो था वहां से शुरू करेंगे। यानी अगर आप प्रकाशित वाक्य 1, 4 और 8 पद पढ़ेंगे तो वह कहां से शुरू हो रहा है, जो है और जो था और जो आने वाला है। परंतु हम शुरू कर रहे हैं जो था वहां से, परमेश्वर के कार्य के विषय में कि परमेश्वर के कार्य क्या थे। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करना यानी वो सृष्टि करता है, संपूर्ण मानव जाति को धार्मिक और सांसारिक रूप से, लिखित रूप से व्यवस्था, नियम, आज्ञाओं की व्यवस्था करना और उनका पालन करने के लिए उनको प्रेरित करना। परमेश्वर एक व्यवस्थापक भी है, ठीक है। तीसरा है अर्थात प्रबंधक के रूप में कार्य किया परमेश्वर ने, याचकों और राजाओं और अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति करने वाला वो परमेश्वर कहलाया है। इसलिए वो जो है एक प्रबंधक करने वाला भी कहलाया और स्वामी भी कहलाया, इसी वजह से उसको स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि सारे अधिकारियों के ऊपर वो अधिकारी है जो सारी रिपोर्टिंग जो है वो अपने पास रखता है कि इस पृथ्वी पर जो नियुक्त किए गए हैं या जो लोग हैं, जो भेजे गए हैं, जिनको बनाया है, जिनकी सृष्टि करी है, वो क्या करते हैं, मेरे इच्छा के मुताबिक कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इन सब का लेखा जोखा वो लेगा। फिर है चौथा, संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभुता करने वाला है, इसलिए वो प्रभु कहलाया। और मुख्य जो 5वां जो है मुख्य कार्य, संपूर्ण मानव को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके उद्धार की योजना तैयार करना और उस योजना को अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कार्यविंत करना, ठीक है, अर्थात पूरा करना। तो जो ये जो कार्य है ये परमेश्वर ने किया। अब हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है उसके विषय में बात करेंगे। जो आने वाला है यीशु मसीह दूसरी बार जो है वो न्यायकर्ता के रूप में आने वाला। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का पहला आगमन किसकी ओर से था, परमेश्वर की ओर से था। वो परमेश्वर की एक योजना थी जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा गया ताकि उसके बलिदान के द्वारा मैं और आप और जितने भी मनुष्य हैं वह अपने पापों से मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके, और उसकी उद्धार योजना में सम्मिलित होकर उस स्वरूप को जो परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनाया गया था उसमें फिर से बनकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो आया था, वो राज करने नहीं आया था या वो न्याय करने नहीं आया था, बल्कि परमेश्वर की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की
हमारे और आपके लिए उस योजना को, जो उद्धार की योजना थी, वो पूरी करने आया, और इसलिए उस योजना को पूरा करते हुए वह हमारे लिए बलिदान हुआ, जीवित हुआ और स्वर्ग में गया। वहां से फिर से भविष्य में जो आने वाला है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो आने वाला है उसके लिए विषय में ध्यान करें। दूसरा है, हम संपूर्ण मानव के उद्धार के लिए अपना उसने बलिदान का कार्य पूरा किया। तीसरा है, स्वर्गीय पिता की संपूर्ण बातों को बताना, हमको बताया कि पिता की इच्छा क्या है। चौथा है, हम अपने उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सी बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने कही। अब हम बात करेंगे जो है पवित्र आत्मा के, क्योंकि इसको मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि हम पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत कर रहे हैं कि जो है। अब पवित्र, ये जो है ये पवित्र आत्मा का युग है, और वर्तमान समय में जो हम रह रहे हैं ये पवित्र आत्मा के का युग है जिसमें हम रह रहे हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा जो है इस समय हम सब मनुष्यों का परमेश्वर भी है और अधिकारी भी है, और इसलिए वो हमसे क्या चाहता है। यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम लोग अभी हमने जैसे बात करी कि हम लोग बात करते हैं सिर्फ चंगाई के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में, अनभाषा के विषय में, बस यहीं तक सीमित है। परंतु इसके आगे पवित्र आत्मा को क्या कहना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जो है हम लोग नहीं जानते। सबसे पहली बात, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, अपने बलिदान होने से पहले उसने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सी बातें कही, और यह कहा कि जब मैं मर जाऊंगा, बलिदान हो जाऊंगा और जीवित होकर स्वर्ग चला जाऊंगा, तब वो पवित्र आत्मा आएगा। मगर उसने, जैसा मैंने कहा ना कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था पवित्र आत्मा को भेजने का, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के उस उद्देश्य के बारे में हमें बताया है। मगर कोई भी व्यक्ति, मैंने बहुत से संस्थाएं, बहुत से लोगों को सुना है, सिर्फ अनभाषा पे बात करते हुए सुना है, चंगाई पे बात करते हुए सुना है, और भविष्यवाणी पे बात करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ये कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है चंगाई करता है, मगर उसके साथ साथ में परमेश्वर का जो उद्देश्य है पवित्र आत्मा को भेजने का, हमारे जीवन में उंडेलने का, वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर प्रकट करी है, और ये बात उसने वचन के द्वारा हम पर भी प्रकट करी है, परंतु हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। आज मैं वही बातें जो हैं सबसे पहले बात करूंगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, हम यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 से 17 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 16 से 17 तक, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अब ध्यान करने की बात है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा भेजेगा, एक और सहायक का मतलब, एक सहायक हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और दूसरा सहायक जो है हमारा कौन है, पवित्र आत्मा है, यानी एक और सहायक, और वो कहता है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहां पर एक बात आई है, जरा ध्यान दीजिएगा कि संसार उसे ग्रहण नहीं करता। देखिए, अगर हमारे अंदर जरा सी भी संसारिकता होगी या संसार की बातें होंगी या संसार का चाल चलन होगा तो हम उस पवित्र आत्मा से वंचित होंगे। मगर यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि संसार उसे नहीं जानता और ना उसे देखता है। इसका मतलब क्या है, हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। किसने देखा आज तक, किसी ने यह नहीं कहा कि हमने पवित्र आत्मा को देखा है। अब पवित्र आत्मा दिखाई कैसे देता है, यह भी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, मगर पहले इस बात को जान लें कि पवित्र आत्मा को भेजने का कारण क्या है। कि हम इसमें कई बातें, जिनको पवित्र आत्मा मिला वो उसे देखते भी हैं, वो उसे जानते भी हैं, और वो हमारे साथ सर्वदा रहता है क्योंकि वो हमारे अंदर रहता, बाहर नहीं रहता है, हमारे अंदर वास करता है वो। अब पता चला कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर तो है नहीं, तो एक बात बताइए, जब परमेश्वर का आत्मा ही हमारे अंदर नहीं है तभी तो बहुत सी गलत बातें, बहुत सी बेकार की बातें, बहुत सी
उलट फेर की बातें जो है हमारे जीवन से प्रकट होती हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। हम यदि अपने आप को परमेश्वर का या यीशु मसीह का कहते तो हैं, यीशु मसीह का कहना अलग चीज होती है, यीशु मसीह के यदि हम हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर। और यहां पर जो है कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 16वें और 17वें पद में क्या लिखा है, 16वें पद में क्या लिखा है, वे तुम्हें एक और सहायक देगा, वे सहायक क्या है, सर्वदा हमारे साथ रहेगा, वह हमें होगा। फिर 17वें पद में क्या कहता है, वो क्या है, वो सत्य का आत्मा है, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता नहीं है और संसार उसे जानता भी नहीं है, तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। वही बातें मैंने आपको सीरियल वाइज जो है वो बताई है। अब जब हम सहायक की बात करते हैं कि वो हमारा सहायक होगा, कि वह मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, जब इब्रानियों 13:6 पद पढ़ेंगे यहां पर क्या कहता है, देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। अब सहायक तो हमें मिला इस समय, वर्तमान समय में यहां पर क्या कहा जा रहा है, परमेश्वर का वचन बड़ा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। कौन मेरा सहायक है, प्रभु, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब पवित्र आत्मा उतर चुका है, और पवित्र आत्मा जब उतर चुका है, पवित्र आत्मा भेजा जा चुका है, यह बात तब की है, यानी वो प्रभु है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो है यानी पवित्र आत्मा, वो प्रभु परमेश्वर है। और इसलिए हमें जिसके पास पवित्र आत्मा है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों के द्वारा नहीं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कितना पावरफुल क्यों ना हो, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, डरने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। किसी भी किस्म का क्या होगा हम नहीं जानते कि हमारे साथ आने वाले पल में या आने वाले कल में क्या होगा, परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए खड़ा है यदि हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। फिर क्या है, वचन संहिता 118:7 में क्या लिखा, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। क्या बात है, क्या अगर आपके बैरी, आपके सताने वाले आपके चारों तरफ बने खड़े हैं तो बेफिक्र होकर सोइए, चिंता मत कीजिए। मगर हम लोग मनुष्य है ना, चिंता आ जाती है, कर जाते हैं, बहुत सी टेंशन हो जाती है, वो हो जाते हैं, मगर इस पद को ध्यान रखिए, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। क्योंकि क्यों संतुष्ट होऊंगा बैरियों को देखे, वो मेरा क्या कर पाएंगे, परमेश्वर मेरी ओर है, है? यदि परमेश्वर उनकी ओर होता तो उनके काम सफल होने देता, परमेश्वर जब मेरी ओर है तो इसलिए संतुष्ट रहिए जब परमेश्वर आपकी ओर है पवित्र आत्मा के रूप में। मगर ध्यान रखिएगा, वे सहायक सर्वदा हमारे साथ रहेगा, और कैसे हमारे साथ रहेगा, हम इस बात का भी खुलासा कर लें कि पवित्र आत्मा कहता ना कि वो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। 1 कुरिन्थियों 3:16-17, 1 कुरिन्थियों 6:19, 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद में क्या लिखा, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हमें ये पता होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर कोई तमाकू रगड़ के खा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और गलत काम कर रहा है, जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखकर कामुकता दर्शा रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, और बैठकर चर्च में बैठकर वीडियो देख रहे हैं या कुछ मैसेज, अगर आप में से बहुत से लोग, अरे बताओ इसे शर्म भी नहीं है, ये चर्च में ऐसा कर रहा है, ये चर्च में इसको ऐसा करना चाहिए, इसे शर्म नहीं आती है चर्च में, अरे भाई ये चर्च जब दुनिया का अंत होगा तो ये चर्च भी खत्म हो जाएगा, इसके साथ ये भी नाश हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कह रहा है, हम जो परमेश्वर का मंदिर है इसकी चिंता नहीं होती है कि इसमें लोग क्या कर रहे हैं, इतनी गंदगी भरे जा रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, यानी हमें। फिर आप 1 कुरिन्थियों 6:19 में पढ़ेंगे तब वहां क्या कहता है पौलुस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी हमारी देह, हमारा शरीर जो है, और इसमें क्या है, शरीर के अंदर क्या भरे हुए हैं, इस मंदिर के अंदर
बहुत सी चीजें, मगर चिंताएं क्या होती हैं साहब? ये ईंट गारों का जो बनाया हुआ मंदिर होता है इसे पवित्र रखना है, इसे शुद्ध रखना, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसे भी शुद्ध रखे, मगर इससे पहले हम जो परमेश्वर का मंदिर है इसे शुद्ध होना चाहिए, यानी हमारा शरीर शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कहां आएगा? पवित्र आत्मा इस मंदिर में थोड़ी आएगा। आप जो हैं चर्च आ रहे हैं, चर्च आने से पहले आपने क्या सोचा? आज चर्च है, आज कल चर्च है, हमें चर्च जाना, तैयारी कर लें, कपड़े तैयार कर लें, कपड़े प्रेस करके रख लें, कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, क्या करना है, ऑफरिंग डालनी है, अपनी ताइत भी जमा करनी है, ये भी देना है, वो भी देना है, चर्च में आज पास्टर से मिलकर ये बात करेंगे, अपने लिए विशेष प्रार्थना करवाएंगे और ऐसा करेंगे वो करेंगे, बहुत सी चीजें। मगर ये कब आया? अभी आप चर्च में नहीं आए हो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने आपके अंदर डाला है। मगर पवित्र आत्मा सिर्फ यहां ले आया, यहां लाने के बाद फिर हम संसार में चले गए और संसारिक हो गए और बुराइयां, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। फिर पहला कुरिन्थियों 6:20 में क्या लिखा है? क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम दाम देकर मोल लिए गए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीद लिया है, अब हम अपने नहीं है, हम किसके हो गए? हम परमेश्वर के हो गए, और परमेश्वर के जब हो गए तो परमेश्वर अपनी चीज में, हम परमेश्वर का निवास स्थान हो गए। किसका? पवित्र आत्मा का निवास स्थान है हम। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, हमारा शरीर और हम किसका निवास स्थान है? पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। किस पवित्र आत्मा का? उस पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जिसको परमेश्वर ने भेजा है, मगर वो पवित्र आत्मा मनुष्यों में दिखाई नहीं देता। अगर पवित्र आत्मा हम सब मनुष्यों में है, हर एक विश्वासी में है, तो आपको किसी पादरी से दुआ कराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से चंगाई लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास से उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, आप खुद चंगाई, बल्कि आप खुद दूसरों के ऊपर हाथ रखकर दुआ करेंगे तो लोग चंगे हो जाएंगे। आपको किसी से चंगाई की प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बल्कि आपके अंदर बीमारी आएगी नहीं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बल्कि जो बीमार होंगे आप उनको चंगाई देंगे, आप बहुत से काम करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, हमारे अंदर होगा, यहां परमेश्वर का वचन कहता है। फिर क्या कह रहा है? संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, संसार उसे देख नहीं सकता, संसार उसे जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि संसारिक लोग संसारिक भोग विलास में और अभिलाषाओं में और बुरी बुरी चीजों में लगे हुए हैं। जैसा आप गलतियों 5 अध्याय और उसका 19 पद से जब आप पढ़ेंगे 21 पद तक, तो वहां लिखा शरीर के काम तो प्रकट है, अब वहां पर भयंकर किस्म के शरीर के काम, लुच्चपन, व्यभिचार, लीला कीड़ा और लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन कुड़न वगैरह, ये सारी चीजें दी गई है, ये सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा वास नहीं करा, पवित्र आत्मा कार नहीं करा, इसलिए वो सारी चीजें उनके अंदर क्या कर रही हैं? वास करती हैं, और पवित्र आत्मा इस बात को प्रकट करता है कि वो नहीं है। देखिए जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 15-17 पद तक, वहां पर 3 प्रकार की अभिलाषाओं के बारे में क्या दिया गया है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आज ये संसार के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, शरीर की अभिलाषा, अपने शरीर को मेंटेन करना, अपनी बॉडी बनाना, सुंदर बनाना, लीपा पोती करना और लिपस्टिक लगाना, बाल हेयर कटिंग करना। फिर है आंखों की अभिलाषा, जब वो देखे, यानी अदन की वाटिका में की गई थी, वो आंखों की अभिलाषा थी। जीविका का घमंड यानी दौलत का घमंड, पैसे का घमंड, ये बहुत से घमंड चीजें हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए पौलुस क्या कहता है? रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज इंसान आत्मा पर मन नहीं लगाता है, इसलिए तो उसके घरों में, उसके जीवन में, परिवारों में, संसार में और देश में, शहरों में, मोहल्ले में, पड़ोस में जो है शांति नहीं है, जीवन दिखाई नहीं देता, शांति दिखाई नहीं देती है। कारण क्या? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है। और आत्मिक व्यक्ति जो है, जो धर्मी जन है, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, वह उसे देखता है और वह उसे जानता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? गलतियों 5:24 में क्या लिखा, बड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह यीशु के, उन्होंने ये संसारिक बातों को, संसारिक चीजों को, अभिलाषाओं को, चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो, शरीर की अभिलाषा हो, या जीविका का घमंड हो, सब कुछ वो क्रूस पर यीशु मसीह जब चढ़ा तो वो सारी चीजों को लेकर चढ़ गया, वहां सारी चीजें खत्म हो गई। मगर यदि वो हमारे जीवन में बनी है तो हम संसारिक हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें कार्य।
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करें ताकि परमेश्वर का आत्मा हम में कार्य करे, हम परमेश्वर के कहलाएं और परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा जीवन और शांति को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।